हेलो एवरीवन, इंडियन एग्रीकोस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर बबली आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ एग्रीकल्चर अपडेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि पुलिस के एग्जाम में और जो एग्रीकल्चर के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अरहर इज कॉमनली नोन एज, ये क्वेश्चन जो मेल कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको इन वीडियोस के थ्रू पढ़ाते रहेंगे। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरहर इज कॉमनली नोन एज, अरहर को आमतौर पे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रेड ग्राम, ऑप्शन बी ब्लैक ग्राम, ऑप्शन सी ग्रीन ग्राम, ऑप्शन डी बंगाल ग्राम। जो रेड ग्राम है, रेड ग्राम किसको बोला जाता है, ब्लैक ग्राम किसको बोला जाता है, ग्रीन ग्राम किसको बोला जाता है? जो रेड ग्राम है वो इसका राइट ऑप्शन है, अरहर को ही रेड ग्राम बोला जाता है। अरहर का जो इंग्लिश नेम है वो है पीजन पी। क्या नाम है? पीजन पी, इसको पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्लैक ग्राम है, ब्लैक ग्राम का, ग्रीन ग्राम का, बंगाल ग्राम का जो दूसरा नाम है वो जो कमिंग स्लाइड्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। पीजन पी इज कॉमनली नोन एज पीजन पी। पीजन पी को हम क्या बोलते हैं? चना, जिसमें काबुली चना होता है, काला चना और सफेद चना। तो ऑप्शन ए रेड ग्राम, ऑप्शन बी ब्लैक ग्राम, ऑप्शन सी ग्रीन ग्राम एंड ऑप्शन डी बंगाल ग्राम। तो राइट ऑप्शन इज डी बंगाल ग्राम, इसको बोला जाता है। ब्लैक ग्राम इज आल्सो नोन एज, ब्लैक ग्राम को हिंदी में बोला जाता है उड़द। उड़द को आमतौर पे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अरहर, जिसको हम पीजन पी भी बोलते हैं और रेड ग्राम भी बोलते हैं। ऑप्शन सी उड़द, ऑप्शन सी मूंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज बी उड़द, इसको बोला जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे भी उड़द लिखा हुआ है बंगाल ग्राम का नाम। Which Indian city has been declared as the first water plus city of India? किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, बी इंदौर, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। राइट ऑप्शन इज इंदौर। इसमें क्या है कि जो मध्य प्रदेश की जो कॉमर्शियल कैपिटल है इंदौर, उसको डिक्लेयर किया गया है वाटर प्लस सिटी। अंडर दी स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2021 की जो स्कीम है उसके अंडर में प्रोग्राम है, उसके अंडर में मध्य प्रदेश की जो कैपिटल इंदौर है उसको वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। वहां पे क्या था, मोर ओवर 30% ऑफ द सिटी सीवेज वाटर, जो सीवेज वाटर है, जो गंदे नालों का जो पानी है वो 30% रिसाइकल किया गया, जिसको ट्रीट करके फिर दोबारा से यूज किया गया। दिस रिसाइकल्ड वाटर वाज यूज्ड बाय पीपल इन दी गार्डन। ठीक है, जो ऑर्चर्ड गार्डन है या कोई ऐसी क्रॉप है जो मेनली फोडर, जैसे फोडर क्रॉप है, उसके लिए यूज कर सकते हैं जो ट्रीटेड वाटर है। सेवन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वर कंस्ट्रक्टेड इन दिस सिटी। जो इंदौर शहर है, इंदौर शहर के अंदर जो सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगाए गए वो 7 प्लांट थे एंड अबाउट 110 मिलियन लीटर्स पर डे ट्रीटेड वाटर फ्रॉम देम इज बीइंग यूज्ड। 110 लीटर जो मिलियन वाटर है एक दिन में उस ट्रीटेड वाटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज जनरल मैनेजर
महाप्रबंधक नाबार्ड के कौन है? नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके जनरल मैनेजर कौन है? ऑप्शन ए सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी अजिताव पार्सर, ऑप्शन सी सुधीर गुप्ता, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। द राइट आंसर इज ए सुरेंद्र जो सिंह है वो जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड के। विच बैंक हैज साइन ए एमओयू मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नाबार्ड बैंक एंड जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक फॉर ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स फाइनेंसिंग। ये जो मेनली एमओयू हुआ है ये क्रेडिट फ्लो को मेंटेन रखने के लिए किया गया है। तो वो कौन सा बैंक है जिसके साथ इन्होंने एमओयू किया है? ऑप्शन ए इंडियन बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी SIDBI एंड ऑप्शन डी आंध्रा बैंक। द राइट ऑप्शन इज बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने एमओयू किया है ताकि फार्मर्स तक जो क्रेडिट फ्लो है कोविड-19 की ड्यूरेशन में वो उनको सप्लाई हो सके। टू विच स्टेट नाबार्ड हैज सेंक्शन लोन वर्थ ₹188.81 करोड़ अंडर RIDF। RIDF की फुल फॉर्म क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस फंड में से कुछ लोन दिया गया है। बोर्ड ने किस राज्य को ₹188.81 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है RIDF के तहत? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी राजस्थान। राइट आंसर कौन सा है? गोवा। गोवा को इन्होंने ₹188.81 करोड़ का जो पैसा है वो सैंक्शन किया है नाबार्ड बैंक ने। नाबार्ड हैज सैंक्शन लोन वर्थ ₹188.81 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन। इसका जो मेन एम था सैंक्शन का वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बम्बलोम एंड इन्हांसमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। सिलागो अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू द गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर वेरियस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन दी स्टेट। जो कोमुलेटिव सेंक्शन हुआ है, जो टोटल सेंक्शन हुआ है वो 217.72 करोड़ का हुआ है ड्यूरिंग 2021-22। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट इज साइंटिफिकली रेफर टू एज हाइलोसेरेसस डेटस। किस फल को वैज्ञानिक रूप से हाइलोसेरेसस डेटस कहा जाता है? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी पपाया, ऑप्शन सी ड्रैगन फ्रूट एंड ऑप्शन डी कीवी। द राइट ऑप्शन इज ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से भी इंडिया के अंदर जाना जाता है क्योंकि जो इसकी लीफ होती हैं वो रिजेंबल करती हैं फ्लावर ऑफ लोटस। ठीक है। रिसेंटली इंडिया एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द ड्रैगन फ्रूट सोर्स्ड फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र टू दुबई एज पर द अनाउंसमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कमल के फूल के समान इसकी पत्तियों की समानता होने की वजह से ड्रैगन फ्रूट को कमलम का नाम दिया गया इंडिया में, और ये दिया है नाम जो गुजरात की गवर्नमेंट है उन्होंने। हाल ही में भारत ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की घोषणा के अनुसार महाराष्ट्र के सांगली जिले के किसानों ने दुबई में प्राप्त ड्रैगन फ्रूट की अपनी पहली खेप का निर्यात किया है।
has been appointed as director of ICR, Indian Institute of Rice Research, Hyderabad? The option A is S. Ramanan, option B Sushil Chandra, option C R. M. Sundaram. Raman Meenakshi Sundaram. The right option is C. Raman Meenakshi Sundaram. थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो को देखते रहना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।